Hello, my dear students. Today we are going to discuss our chapter, that is second of book Nectar Drop, class 8. Service to man is a service to God. Means to say, anyone who will serve to man, he will serve to God directly. Means जो आदमी की सेवा करता है वो भगवान की सेवा खुद ब खुद कर देता है. सो मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम किसी इंसान को अपनी इंसानियत दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें अच्छे रास्ते पे लेके जाती है और हमें भगवान के दर्शन उसी के अंदर करवा देती है. इट इज अ वेरी ओल्ड इंसिडेंट, एक बहुत पुरानी घटना है. देयर लिव्ड टू पर्सन, एक बार दो आदमी रहते थे और इनमें से एक का नाम क्या है, एफिम, और सेकंड का नेम क्या है, एलिशा. तो एफिम यहाँ पर बॉय है, एलिशा यहाँ पर गर्ल है. इन रूप विलेज, विलेज का नाम क्या है यहाँ पर, रूप विलेज. देयर नेचर वर क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उनका जो नेचर था, उनका जो बिहेवियर था, वो बिल्कुल अलग था एक दूसरे से. येट दे वर फास्ट फ्रेंड, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. एलिशा वॉज काइंड हार्टेड, इनमें जो गर्ल थी एलिशा वो बहुत ही दयालु थी, गॉड फियरिंग, वो हमेशा भगवान से डरती थी, एंड जेनरस, और वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी, वो बहुत ही जेनरस थी, बहुत ही हेल्पफुल नेचर की लड़की थी. इफिम ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो इफिम था वो कैसा था, वो काफी रिच था और रिलीजियस माइंडेड था, मतलब वो हमेशा धार्मिक विचार रखने वाला लड़का था, बट नॉट कंसिडरेट लाइक एलिशा, लेकिन वो एलिशा जैसा नहीं था बिल्कुल भी. वंस टू फ्रेंड्स मेड अ प्लान, एक बार क्या हुआ कि दोनों के दोनों फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कहाँ जाने का, विजिट टू जेरुलेसम. मीन्स जेरुलेसम में यहाँ पर एक जगह है जहां पर कि क्रिसमस के टाइम पर जाया जाता है. तो इस पवित्र जगह पर, ये जो होली सिटी थी, पवित्र जगह थी क्रिसमस डे के डेज पर, इन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर जाएंगे. दे सेट आउट फॉर द अपॉइंटमेंट डे, और जिस दिन उन्होंने सोचा था उसी दिन के लिए वो सेट आउट, मतलब निकल पड़े, उसी दिन वो यहाँ पर निकल पड़े. कहाँ के लिए, वहाँ क्रिसमस मनाने के लिए, कहाँ पर, होली सिटी में, उस पवित्र सी जगह पर. When they reached in a village, और रास्ते में जाते जाते वो एक गांव में पहुंचे. इट वॉज इवनिंग, रास्ते में पहुंचे तो वहां पर क्या हो गई, इवनिंग हो गई, नाइट का टाइम हो गया. बींग टायर्ड, अब दोनों के दोनों थक जाते हैं. दे थॉट ऑफ स्पेंडिंग द नाइट, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम रात यहीं पर इन दैट विलेज, उसी गांव में बिता लें. एलिशा एंटर्ड अ हट, जो एलिशा है वो एक झोपड़ी में एंटर करती है, झोपड़ी के अंदर जाते हैं. बट आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, लेकिन उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं. ऐसा उसने क्या देखा, एट द साइट ऑफ एन ओल्ड वुमेन, उसने अंदर उस झोपड़ी के अंदर एक औरत को देखा, लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो कि जमीन पर लेटी हुई थी. शी हैड ग्रॉन वेरी वीक ऑनिंग टू इलनेस, बीमारी की वजह से वो जो औरत थी बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही थी. अ लिटिल बॉय बाय हर साइड, और एक छोटा सा बच्चा उसकी साइड में खड़ा हुआ था, वो रो रहा था. क्यों रो रहा था, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था. एलिशा ऑफर्ड, एलिशा ने उसको क्या दिया, उस बच्चे को अ लोफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का पीस उसने दिया, मतलब एक रोटी उसने उसको दी, एक ब्रेड उसने उसको दिया. एंड द चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग, और बच्चे को जैसे कुछ खाने का मिला उसने रोना बंद कर दिया. सून एन ओल्ड मैन केम आउट ऑफ एन अनदर रूम, जल्दी ही एक जो बूढ़ा आदमी था वो दूसरे कमरे से निकल कर वहां पर आता है. एंड सेट डाउन इन अनदर कॉर्नर, और दूसरे कॉर्नर में जाकर के वहीं पर खड़ा हो जाता है जहां पर एलिशा आकर के उस बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई थी, मतलब उनके रूम में आकर के वो एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है. अब एलिशा ने एक ब्रेड जो है किसको दिया, उस बूढ़े आदमी को भी दे दिया, मतलब उसने उस बच्चे को भी एक ब्रेड दे दिया और एक रोटी उसने किसको दे दी, उस बूढ़े आदमी को भी दे दी. दोनों ने रोटी खाई और दोनों के दोनों बहुत ही खुश हो गए. द वीक ओल्ड मैन एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड, तो यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी था उसने अपना थैंक्स, उसने अपना धन्यवाद जो है उसको एक्सप्रेस किया, मतलब उसने अपना धन्यवाद उसको बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें खाने को दिया. क्यों, वो भूखे थे, क्योंकि उनके घर में जो बूढ़ी औरत थी वो तो बेचारी बीमार पड़ी थी. अब खाना कौन बनाता, कोई भी नहीं बना पा रहा था, इस वजह से वो दोनों के दोनों भूखे थे. और जिनकी हेल्प कौन करती है, एलिशा करती है. इफिम जो है अभी भी बाहर ही खड़ा खड़ा अपनी फ्रेंड का वेट कर रहा था, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर कौन गया था, सिर्फ एलिशा गई थी वो लड़की, लेकिन एफिम जो बॉय था वो अभी भी बाहर ही खड़ा खड़ा वेट कर रहा था कि कब एलिशा बाहर निकले. इरिटेटेड, अब वो इरिटेट हो गया, वो परेशान हो गया, वो थोड़ा सा
एंटर्ड द कॉटेज, तो वो एकदम से गुस्से में आकर के उस कॉटेज के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है जहां पर एलिशा गई हुई थी। ही फाउंड एलिशा नर्सिंग द ओल्ड वुमेन। अब जैसे ही वो अंदर जाता है झोपड़ी के, वो क्या देखता है कि एलिशा उस बूढ़ी औरत की हेल्प कर रही थी, वो उसका एक तरह से ट्रीटमेंट कर रही थी, जैसे वो उसकी हेल्प कर सकती थी वो कर रही थी। तो जब उसने ऐसा देखा, दे एग्रीड टू स्पेंड द नाइट इन दैट कॉटेज। वो कहते हैं कि वो दोनों एग्री हो जाते हैं कि क्यों ना हम इस नाइट, इस रात के लिए उस कॉटेज में, झोपड़ी में रुक जाएं। एलिशा ने कहा, अब एलिशा यहाँ पर क्या कहती है, एलिशा कहती है दिस वीमेन सीम्ड टू हैव बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते हैं मुझे लगता है ये जो औरत है तो काफी लंबे टाइम से बीमार चल रही है, विदाउट एनी मेडिकल एड, एड मीन्स हेल्प, बिना किसी मेडिकल हेल्प के, मतलब इसे कोई मेडिसिन नहीं दी गई है, उसे कोई मेडिसिन की हेल्प नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो लंबे समय से बीमार चल रही है। अब अगर एक बीमार आदमी को आप मेडिसिन नहीं दोगे तो क्या होगा, वो बीमार चलेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम आज रात इसी की झोपड़ी में रुक जाएं और मैं आज इसकी हेल्प कर दूँ। टुनाइट लेट अस लुक आफ्टर हर एंड सेव हर लाइफ। क्यों ना हम इसकी देखभाल कर दे और इसकी लाइफ बचा ले। अब एफिम जो था वो तो अनविलिंग था, वो नहीं चाहता था वो रात वहां पर बिताने के लिए। सो उसने डिसाइड किया स्टे एल्सवेयर, कि वो तो कहीं और ही जाकर के अपनी नाइट स्पेंड करेगा, रात के लिए बाहर रुकेगा, लेकिन वो उस झोपड़ी में वहां पर नहीं रुकेगा। और उसने ये भी सोचा कि क्यों ना मॉर्निंग में हम दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे, अभी तो मैं बाहर सो जाता हूँ और ये इस, अगर इसका मन करता तो झोपड़ी में सो जाएगी, कोई बात नहीं। तो उसका जो फ्रेंड था उसे इरिटेट होकर वहां से कहीं बाहर जाकर के सो जाता है और सोचता है कि क्यों ना मॉर्निंग में हम एक दूसरे से मिल लेंगे, फिर हम अपने उस जो यात्रा है वहां पर हम निकल लेंगे। एलिशा रिप्लाइड, एलिशा ने कहा लिसन माई फ्रेंड, उसने कहा सुनो सुनो मेरे दोस्त, इट सीम्स आई एम नॉट डेस्टिनी डेस्टिनी, मतलब यहाँ पर उसने कहा कि ये ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने उस मंजिल पर, डेस्टिनेशन क्या होता है मंजिल, या फिर डेस्टिनेट मतलब वो मंजिल जो उन्होंने सोची थी, वो पवित्र जगह जहां पर वो क्रिसमस मनाने के लिए जाना चाहते थे। कहते कि मुझे नहीं लगता, सीम्स मींस लाइक, लाइक मतलब की तरह, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ उस होली सिटी में जा पाऊंगी। आई मे हैव टू स्टे विद दीज पीपल, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए इन लोगों के पास फॉर अ फ्यू डेज मोर, कुछ और दिन मुझे इनके साथ रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इनको मेरी जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि बूढ़ी औरत बीमार थी, आदमी खाना नहीं बना सकता था, बच्चा भी भूखा मर रहा था। तो उसने यहाँ पर किस चीज को प्रायोरिटी दी, उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर रुककर इनकी हेल्प कर दूं। आई एम सॉरी आई कांट गिव यू अ कंपनी, कहते कि नहीं आई एम सो सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। गिव अ कंपनी मीन्स साथ देना, तो कहते मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे साथ उस पवित्र जगह पर नहीं जा सकती। अब ना जाने का रीजन क्या था, क्योंकि वो उस परिवार की हेल्प करना चाहती है। यू मे गो अलोन, तुम जाना चाहो तो तुम अकेले चले जाओ, अगर तुम जाना चाहो, इफ यू प्लीज, अगर तुम जाना चाहो तो तुम अकेले जा सकते हो। द नेक्स्ट डे इफ हिम सेट आउट, अब अगले दिन इफ हिम जो है सेट आउट मीन्स निकल पड़ा एलोन अकेले ही, थिंकिंग हाउ स्ट्रेंज अ फेलो हिज फ्रेंड एलिशा वाज, ये सोचते वो निकल गया कि पता नहीं कैसे नेचर की लड़की है एलिशा, जो उसके साथ ही आना नहीं चाहती और उस परिवार में रुकना चाहती है। एलिशा सर्व द फैमिली सिंसियरली फॉर सेवरल डेज, एलिशा ने पूरे दिल जान से, पूरे सिंसियर तरीके से, पूरे दिलो जान से उस परिवार की कई दिनों तक सेवा की। द ओल्ड वुमन गोट वेल, धीरे धीरे जो बूढ़ी औरत थी वो भी ठीक होने लग गई थी। हर हस्बैंड आल्सो ज्वाइन हिज फैक्ट्री, उसका हस्बैंड भी अब कहाँ पर जाने लगा, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगा। एलिशा रन आउट ऑफ मनी, अब जल्दी से क्या हुआ, धीरे धीरे एलिशा की जो है वो रन आउट ऑफ मनी मीन्स शॉर्टेज ऑफ मनी, उसके पास पैसों की कमी हो गई। सो शी ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ गोइंग टू जेरूसलम, इसलिए उसने उस पवित्र जगह पर जाने का आइडिया, वो जो विचार था वो अपने मन से निकाल दिया। ड्रॉप द आइडिया मीन्स वो मन से विचार ही निकाल दे कि अब तो मैं जा ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि मेरे पास अब पैसे खत्म हो गए हैं। वन नाइट, एक रात, वही एवरीबडी वॉज अस्लीप, जब हर कोई सो रहा था, शी स्लिप्ड आउट ऑफ द कॉटेज, तो वो कोटे से बाहर निकल जाती है उस रात को एंड रिटर्न टू हर विलेज, और अपने घर चल जाते हैं, मतलब बिना बताए। अब एक रात जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो बेचारी वापस अपने गांव में चली जाती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत ठीक हो गई थी, उसका हस्बैंड भी फैक्ट्री में जाने लग गया था, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो अब जब उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई उस बूढ़ी औरत की, तो उसने सोचा क्यों ना मैं वापिस अपने गाँव चली जाऊँ। पीपल आस्क्ड हर क्यूरियोसिटी, पीपल लोगों ने उनसे, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, जो वो जानना चाहते, जानने के इच्छुक
इच्छुक थे, क्यूरियोसिटी में जानने के इच्छुक थे। क्या जानने के इच्छुक थे लोग? कि वो जो है वापिस इतनी जल्दी कैसे आ गई, जबकि वहां पर जाने में तो, पवित्र जगह पर जाने में तो काफी टाइम लगता है। तो उसने सबको बुला बता दिया कि भाई आई रन आउट ऑफ मनी, मेरे पैसे खत्म हो गए थे, सो आई कैंसल्ड द पिलग्रिमेज, इसलिए मैंने वहां पर जाना जो वो कैंसल कर दिया। गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा, आई विल गो जेरुसलम नेक्स्ट ईयर, तो मैं अगले साल, अगर भगवान ने चाहा, भगवान ने मुझे बुलाया, तो मैं अगले साल चली जाऊंगी। एफिम, अब दूसरी तरफ क्या था, एफिम जो वो उस होली सिटी में पहुंच गया था, और वहां पर चर्च में पहुंचने के बाद उसने क्या देखा, स्ट्रेंज साइट, एक बहुत ही अजीब सा दृश्य देखा। वो क्या था, बिहाइंड द लाइट कैंडल्स, आपको पता ना चर्च में कैंडल्स बर्न करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, और उन कैंडल्स के पीछे उसने देखा कि एलिशा खड़ी थी, मतलब भगवान की जगह पे कौन खड़ा था, एलिशा खड़ा था। वो किसने देखा, वो किसने देखा, एफिम ने नोट किया जब वो चर्च में वहां पर पवित्र जगह पर पहुंच गया था। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज, वो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। ही वंडर्ड, वो हैरान था, हाउ एलिशा हैड रीच्ड देयर अर्लियर देन हिम, एलिशा कैसे उससे पहले वहां पहुंच सकती है, जबकि वो तो उसको झोपड़ी में पीछे छोड़ के आ गया था। ही बिगिन टू एनवी, एनवी मीन्स यहाँ पर ईर्ष्या महसूस करना, जेलसी फील करना। तो उसको यहाँ पर जलन फील होने लगी, किससे, अपनी फ्रेंड से, कि कैसे उसका लक इतना अच्छा हो सकता है कि वो उससे पहले वहां पर पहुंच गई, एट द एंड ऑफ द प्रेयर। और जैसे ही चर्च में प्रेयर खत्म होती है, ही वॉक्ड आउट, वो बाहर आ जाता है एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर एलिशा, वो एलिशा के लिए वेट करने लगता, क्योंकि उसके लिए तो उसने क्या सोचा कि एलिशा खुद ही यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन वो सिर्फ भगवान के जगह पे उसको एलिशा दिखाई दी, क्योंकि सच में उसने भगवान के जैसा ही काम किया था उस परिवार के लिए। लेकिन जैसे उसका बाहर वेट कर रहा था, तो बाहर ही नहीं आई, वो बाहर कैसे आती, क्योंकि वो तो वहां पर गई ही नहीं हुई थी, वो तो सिर्फ एक भगवान की दिखाई हुई माया थी। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो निराश हो गया, क्यों, क्योंकि एलिशा बाहर नहीं आई थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर से ही सा एलिशा अगेन, फिर से उसने एलिशा को देखा चर्च में, वहीं पर चेयरफुल मूड, बहुत खुशी खुशी वो खड़ी थी वहां पर, मतलब उसको हंसते हुए एलिशा वहां पर दिखाई देती है गॉड की जगह पर। बट शी डिसअपीयर, लेकिन फिर से वो गायब हो जाती है जैसे ही प्रेयर खत्म होते, मतलब जैसे ही चर्च में भगवान की जो प्रेयर है वो खत्म होती है, वैसे ही एलिशा गायब हो जाती है। कहने का मतलब कि भगवान की जगह पर कौन दिखाई दे रहा था, एलिशा दिखाई दे रही थी। क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया था उस बूढ़ी औरत की हेल्प करके। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, एफिम जो है अपने विलेज में वापस आ जाता है अकेला, और वो जैसे ही उस झोपड़ी के पास से निकलता है जिसमें वो अपनी फ्रेंड को छोड़ के गया था, तो उसकी झोपड़ी में एंटर करता है और बोलता है कि वेयर एन ओल्ड वीमेन वेलकम हर। अब वो वहां पर जो बूढ़ी औरत थी तो ठीक हो चुकी थी, तो उसका स्वागत करते कि आओ तुम अंदर आ जाओ। तो अब यहाँ पर एफिम जो था वो इंक्वायरी करता है, वो पूछताछ करता है एलिशा के बारे में कि एलिशा कहाँ है। तो औरत बोलती है कि उसकी जो फ्रेंड है आ जेम, वो किसी भगवान से, वो किसी मोती, मतलब वो किसी रतन से कम नहीं है, जेम मीन्स रतन, कि किसी भी बहुमूल्य रतन से कम नहीं है उसके फ्रेंड, मतलब एलिशा जो किसी बहुमूल्य रतन से कम नहीं है, वो एक एंजल, वो एक भगवान के जैसी थी उनके लिए, जिसने उनकी हेल्प की विदाउट हर केयर, उसके केयर के बिना तो शायद वो अब तक मर चुकी होती। वन नाइट शी स्लीप्ड, और कहती है लेकिन एक रात क्या था कि वो यहाँ से निकल गई बिना हमें बताए कि वो कहाँ जा रही है। तो उसने सारे के सारे इंसिडेंट जो उसके फ्रेंड एफिन को बता दी कि वो तो यहाँ से जा चुकी है। इट इज इवनिंग, रात हो चुकी है, यू मे स्टे हियर, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो और हमें अपनी सेवा करने का एक मौका दे सकती हो। शी प्रपोज, मतलब उसने ऑफर किया, ऑफर करने का मतलब यहाँ पर उसने उसको ये बोला कि आप चाहो तो प्लीज यहाँ पर रुक सकते हो। एफिम कुड नॉट स्टे नो, एफिम ने कहा कि नहीं, से नॉट से नो, अब उसने कुडंट से नो, सॉरी, उसने कहा कि एफिम कुड नॉट से नो, एफिम मना नहीं कर पाया, एंड स्पेंड अ नाइट देयर, और एक रात लोग यहाँ पर रुक जाता है। ही वंडर्ड, वो इतना हैरान था कि कैसे, इफ एलिशा हैड बीन लुकिंग आफ्टर दीज पीपल, कहते कि अगर उस हफ्ते में जहां पर मैं वहां पे गया हुआ था उस टाइम में अगर वो यहाँ पर इनकी सेवा कर रही थी, हु वाज द पर्सन, तो वो कौन था जो कैंडल्स के पीछे खड़ा था उस पवित्र चर्च में। तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो वहां पर कैसे दिखाई दी उसको। द नेक्स्ट डे ही टुक लीव, अब नेक्स्ट डे जो वहां से चला जाता है, ओल्ड कपल ग्रेटफुली, ओल्ड कपल जो मतलब ये बूढ़े औरत थे ना, उन दोनों का धन्यवाद करते हैं, वो वहां से चला जाता है। इन हिज विलेज ही वेंट स्ट्रेट, अब जैसे वो अपने गांव में पहुंचता है, ही फाउंड हिज फ्रेंड बिजी, वो देखता है एफिम की उसकी फ्रेंड जो एलिसा थी वो तो बिजी थी काम करने।
अलीशा रिसीव्ड हिम वार्मली। अब जैसे अलीशा ने देखा कि उसका फ्रेंड वहां से वापस आ गया है, तो उसने उसका वेलकम किया, उसका अच्छे से स्वागत किया और उसको कहा कि यू तुम बहुत लकी हो एफिम कि तुम वहां पर पहुंच गए माय फ्रेंड, एंड दैट यू कंप्लीटेड योर जर्नी। तुमने अपनी यात्रा भी पूरी की, तुमने अपना प्रॉमिस भी निभाया जो तुम कर रहे थे। ठीक है, प्रॉमिस लैंड मतलब वो जगह तुम गए जहां पर हमने प्रॉमिस किया था कि हाँ हमें जाना है। नेवर माइंड, प्लीज बुरा मत मानना, गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहेगा आई शेल ऑल्सो विजिट, मैं भी अगले साल वहां पर जाऊंगी। मतलब उस वो तो साफ साफ बता रही है कि मैं वहां पर नहीं गई हूँ, मैं तो भगवान चाहेगा तो अगले साल जाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए थे और मैं नहीं जा सकी। अब टीयर्स टिकल, टिकल मतलब गिरना, क्या गिरना, आंसू गिरना। डाउन मतलब गालों से, जो एफिम एफिम के जो गाल थे उनके गालों से आंसू नीचे टपक रहे थे। He said regretfully, वो पछताते हुए बोला, वो क्या पछताते हुए बोला, डियर फ्रेंड आई डिड गो, कहता है मैं तो वहां पर चला गया था लेकिन गॉड ने शायद, गॉड परहैप्स डिड नॉट एक्नोलेज, लेकिन शायद जो भगवान है उसको मैं समझ नहीं पाया। माई विजिट, मेरे मतलब मैं वहां पर गया तो सही लेकिन शायद मैं नहीं समझ पाया कि भगवान कहाँ पर मिलते हैं। कहने का मतलब भगवान तो इंसान की सेवा करने में मिलते हैं, ना कि कहीं भी पवित्र जगह पर जाने से भगवान मिलते हैं। यू डिड नॉट गो, तुम नहीं गई लेकिन फिर भी भगवान ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया। आई सॉ यू स्टैंडिंग बिहाइंड, वो कहते कि मैंने तुम्हें चर्च में कैंडल्स के पीछे खड़े हुए देखा, मैंने तुम्हें भगवान की जगह खड़े होते हुए देखा। इसका मतलब भगवान ने, भगवान और तुम दोनों एक जैसे ही हो क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक तरह से अपना दर्जा दे दिया। हियर अनदर इंसिडेंट, अब एक दूसरी घटना यहाँ पर बता रहे, पहली घटना तो ये थी, अब दूसरी एक और घटना यहाँ पर वो पढ़ते हैं। एक क्या था, अब्दुल्ला बीन अवेरिक है, यहाँ पर एक पर्सन का नेम है, अब्दुल्ला बिन अवेरिक एक पर्सन का नेम है। रिटर्न होम फ्रॉम हज, वो हज से वापस आया। वन नाइट ही हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, एक रात उसको एक अजीब सा सपना आया। ही सॉ टू एंजल्स, उसने दो एंजल्स देखे, दो भगवान देखे, चैटिंग विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कैन यू गेस द नंबर ऑफ हज पिलग्रिम इन दिस ईयर, तो दोनों के दोनों क्या बात कर रहे थे एक दूसरे से कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अब की बार हज पे पवित्र जगह पर कितने सारे तीर्थ यात्री आ सकते हैं। डिड गॉड एक्सेप्ट देयर प्रेयर, और क्या इतने सारे लोगों की प्रेयर वो जो भगवान है वो सुनता है। नॉट इवन वन ऑफ देम, कहते कि मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक की भी प्रेयर वो सुनता है। लकीस्ट पर्सन यू विल बी सरप्राइज टू नो, लेकिन तुम बहुत लकी हो ये तुम सरप्राइज हो गए जान करके कि वॉज वन हु डिड नॉट रीच मक्का, मक्का होता है ना, मक्का में इनका एक पवित्र जगह होती है जहां पर ये जाते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं वो मक्का में जाते हैं अपने पवित्र स्थान पर, उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं अपने भगवान के। तो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहां पर सच्ची श्रद्धा के साथ जाता है जिसकी वजह से वो उसके दर्शन कर पाते हैं। हिज नेम इज अली बिन, कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इन सब में से एक आदमी है जो कि सच में मक्का पहुंचा है। वो कौन है, उसका नेम क्या है, अली बिन मुफिक है। ठीक है, उसका नेम क्या है, अली बिन मुफिक है, जो कि क्या है, कोबलर है। कोबलर मतलब शूज ठीक करने वाला, जो चप्पल जूते गाँटने वाला होता है उसको बोलते हैं कोबलर। ऑफ दमीशा, दमीशा जो दमीशका जो है वहां पर जो है कौन है, एक कोबलर है, एक शूज मेकर है। मुझे लगता है कि शायद वो भगवान के घर में जा चुका है और उसको भगवान के दर्शन हुए हैं। और उसने क्या क्या किया था ऐसा जो बिना गए उसको भी दर्शन हो गए। तो अब्दुल्ला एकदम से जाग जाता है, अचानक से वो जाग गया, उसने डिसाइड किया कि मैं धमिश्का जाऊंगा और उस कोबलर से मिल के आऊंगा, उस शूज बनाने वाले से मैं मिल के आऊंगा, देखता हूँ कि कौन है जिसको भगवान के दर्शन हुए। ये रिस देर वो वहां पर पहुंच गया, उसने एक आदमी को पाया कि वो अपना शूज बनाने में, मेंडिंग शूज मतलब शूज बनाने में बिजी था। ही आस्क्ड हिम, आस्क्ड इफ ही हैज गॉन फॉर हज, अब उस आदमी ने पूछा कि क्या तुम कभी हज गए हो, तो मुबारक कहता है कि उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहता है कि विद अ हॉरेस थ्रोट मतलब उसका गला सूख जाता है बेचारे का। ही सेड मतलब सूखे हुए गले से वो बोलता है, पुअर पीपल लाइक अस हैव नो सच लक, कहते हैं कि भाई हमारे जैसे जो गरीब लोग है ना, हमारे किस्मत में नहीं है कि हम भगवान के घर जाएं, भगवान के घर दर्शन करके आए, तो मैं आज तक नहीं गया हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ बिल्कुल आई हैड प्लान, मैंने प्लान बनाया है हज जाने का इस साल और उसके भगवान के दर्शन करने का, एंड हैड सेव्ड मनी, और मैंने पैसा भी बचाया है। लेकिन क्या हुआ कि बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, आई वॉज टू स्टार्ट,
मैं बस जाने ही वाला था, आई फाउंड द पीपल, लेकिन मैंने क्या देखा, मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में एक जो लोग थे वो भूखे मर रहे थे, देर पॉवर्टी, उनकी गरीबी की वजह से, उनकी भूख की वजह से, वो हेल्पलेसनेस थे, मतलब वो लाचार थे। मूड माई हार्ट, मेरा जो दिल है वो पिघल गया, मेरा दिल उनकी तरफ मुड़ गया। एंड आई डिस्ट्रीब्यूट ऑल माई हार्ड अर्न सेविंग अमंग देम, और जो मेहनत से, इतनी मेहनत से मैंने पैसा कमाया था, वो सारा मैंने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अब्दुल्ला को रियलाइज हुआ कि व्हाई गॉड एक्सेप्ट द प्रेयर ऑफ चैरिटेबल पर्सन, कि भगवान क्यों ऐसे दान करने वाले लोगों के, ऐसे दानी लोगों की प्रार्थना क्यों सुनता है। रिमेम्बर, हमेशा याद रखो, गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो मैन, भगवान हमेशा उन्हें प्यार करता है जो उनके ही लोगों की क्या करता है, मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मदद करता है। हेल्प द नीडी, जो जरूरतमंदों की हेल्प करता है, एंड आर जेनरस, और ऐसे लोग जो कि जेनरस होते हैं, मतलब जो बहुत दयालु तरह के लोग होते हैं, भगवान उनको ही पसंद करता है। द हाइएस्ट काइंड ऑफ प्रेयर इज टू सर्व मैनकाइंड, सबसे बड़ी जो प्रेयर है, सबसे बड़ी जो प्रार्थना है, वो क्या है, सबसे पहले तो दयालु बनो, और दूसरा हमेशा किनकी हेल्प करो, किनकी सेवा करो, मैनकाइंड मतलब इंसानियत की हमेशा सेवा करो। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें बताया गया कि आदमी जो है वो सबसे ज्यादा पुण्य कब कमा सकता है, जब एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करता है, ना कि आप ये दिखावा करके कि हम तो यहाँ गए थे, हम इस पवित्र जगह पर गए थे, हमने यहाँ भगवान के दर्शन किए। आई गेस कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।